मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 93 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि आप काय पत्रिकाओं का कार्य बहुत ही मन लगा कर रहे हैं, तो आइए कुछ नया सीखने से पहले बीते 2 हफ्तों की काय पत्रिकाओं को एक बार दोहरा लेते हैं कि देखिए जो हमने आज तक पढ़ा वो अभी तक आपको याद है या भूल चुके हैं। तो लिखा है, सबसे पहले हम कविता की इन अधूरी पंक्तियों को पूरा करते हैं। लिखा है, सबने ला दे ढेर से कपड़े, चाहे तो क्या आ जाएगा, चाहे दुबले, दादा में ऊ की मात्रा, ब ला ला में एक मात्रा, ले दुबले, चाहे दुबले चाहे तगड़े, तागा तगड़ा, ड़ा में एक मात्रा, रे तगड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। ठीक है, आगे क्या आएगा, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, है ना। तो अंदर कैसे लिखेंगे, अन दारा दर, अंदर, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बा, ठीक है, बा में आकर अंडा, हारा बाहर, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडे, आंग की बिंदी, डा डा में एक ही मात्रा, अंडे की जम जाए जर्दी, जा रा दा दा में ऐसे एक ही मात्रा, ऊपर आधा रा जर्दी। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से आगे आपको दिया गया है। आइए बच्चों, कविता में आए नए शब्दों के जो तुत्कान शब्द है उनको लिखते हैं। सर्दी, तो सर्दी का क्या हो जाएगा, जर्दी, है ना। ऐसे कपड़े, कपड़े का क्या हो जाएगा, तगड़े, ता गा तगड़ा, ड़ा में एक ही मात्रा, रे तगड़े। ठीक है, ऐसे ही लाल, लाल का क्या हो जाएगा, तो आप इसका लिखेंगे चाल, चा में आकर अंडा, ला चाल। ऐसे ही घर, घर का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप, सर, लिखेंगे सारा सर। ठीक है, तो इस तरह से सारे आपके तुत्कान वाले शब्द हो जाएंगे। अब यहाँ लिखा है, नीचे लिखे संकेत बिंदु को ध्यानपूर्वक पढ़िए व उनके आधार पर उनके चित्र बनाइए। सर्दी में पहने जाने वाला एक ऊनी वस्त्र, अब यहाँ पे आपको सर्दी में पहने जाने वाला एक ऊनी वस्त्र, स्वेटर, मफलर, कोई भी चीज़ उसकी क्या बना देनी है, या तस्वीर बना देनी है। ऐसी वर्षा ऋतु में खाया जाने वाला कोई भी एक पकवान, तो क्या खाते हैं, पकौड़े, यहाँ आप लोग पकौड़े बना देंगे। सर्दियों में मिलने वाले फलों में से कोई एक फल, सर्दियों में कौन कौन से फल मिलते हैं आपके, तो आप यहाँ पे सेब या सिंघाड़ा, इसकी तस्वीर बना देंगे, ये सर्दियों में आते हैं। इसी तरह गर्मियों के मौसम में खाई जाने वाली ठंडी चीज़ों में से किसी एक चित्र, तो कोल्ड ड्रिंक या फिर आप आइसक्रीम, इनका चित्र बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, सॉरी, ये तो बिना पेन खोले ही मैंने ऊपर कर दिया। अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण शब्द को छाट कर उनको अलग करना है। ठीक है, तो आपको पता है विशेषण क्या होता है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताए, मुझे ठंडा पानी चाहिए, है ना, आज भयंकर सर्दी है। इसके बाद काला बैग कहाँ है, ठीक है, आगे क्या लिखा, बबीता तेज़ दौड़ती है। ठीक है, इसी तरह से लिखा है, नीचे लिखे वाक्यों में से निराट शब्दों को छाट कर सामने दी गई काली जगह पर लिखिए जिनका कोई अर्थ नहीं है। याद है ना, हमने पढ़े थे आलतू फालतू। अब देखिए आलतू तो फालतू तो वर्ड है, लेकिन आलतू का क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आलतू लिख देंगे। इसी तरह से लिखा है, कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वहाना, क्यों, क्योंकि वहाना का तो कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अब आपको यहाँ देखिए बच्चों, आज हम कविता को याद करने का एक मज़ेदार तरीका सीखते हैं। क्या आपने कभी किसी कविता को किसी फिल्मी गाने की धुन पर गाकर याद किया है, बड़ा मज़ा आएगा यदि आप सर्दी आई कविता को अपने मनपसंद गाने की धुन पर गाकर उसे याद करें और अपने घर के सदस्यों को सुनाएं, और संभव हो तो इसका एक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ साझा भी कीजिए। ठीक है, तो आप इसे लय बना के गाएंगे, जो भी आपका गाना फेवरेट है उसमें आप इसकी लय बना के गा सकते हैं। चलिए फिलहाल आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।